वेलकम बैक माई रियर क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्व आइए इस वीडियो में आपके सेलेबस की एक और पोम को हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर आंट जेनिफर्स टाइगर माय रियर लर्नर इज रिटन और ऑकम्पोज बाय एन अमेरिकन पोएट एंड्रियानी रिच दिस अमेरिकन पोएट माई रियर लर्नर वॉज वेरी मच एक्टिव इन देंड हाफ ऑफ़ दी ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी के सेकेंड हाफ में माई दिए लर्नस यानी कि उन्नीस सौ पचास के बाद ये वुमेन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ये वुमेन लगातार अपनी आवाज उठा रही थी किसके लिए फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ़ वेमन फॉर दी एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेमन पर्टिकुलरली फॉर दार्टिसपेशन ऑफ वेमेन वाई बिक इस वक्त आप समझ सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं या इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में ये कंडीशन थी उन्नीस सौ पचास के बाद की बात मैं बता रहा हूँ आई डील इन सेकेंड हाफ ऑफ दी सेंचुरी यद्यपि बहुत से फेमनिस्ट बहुत से फेमिनिस्ट जो है सामने आ चुके थे शी वॉज़ वन अमंग दो फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट मैं आपको बताता हूँ एफ ई एम एन आई एस टी फेमिनिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो औरतों के जो है औरतों के अधिकारों के लिए उनकी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के लिए उनकी इंडिपेंडेंस यानी कि उनकी आत्मनिर्भरता के लिए उनके राय से उनके अधिकारों के लिए जो आवाज उठाता है और मांग करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं फेमिनिस्ट एफ ई एम एन आई एस टी फेमिनिस्ट एक मेल भी हो सकता है माई लर्नर्स और एक फीमेल भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं जैसे यहां पर ये एक फेमिनिस्ट कौन है शी इज एंड्रियानी रिच एक वुमेन ये एक वुमेन है जो आवाज उठा रही हैं एक जॉर्ज पेनाट शॉ थी एक बहुत बड़े इंग्लिश एक्चुअली वो आयरिश थे आयरलैंड के रहने वाले थे कौन जॉर्ज बनाड शॉ जो अपने जो अपने ढेर सारे प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते हैं जैसे एंड द मैन कैंडिडा सेंजोन और जैसे मिसेस बॉरेंस प्रोफेशन और मैन एंड सुपर मैन ये सारे कुछ उनके ये कुछ उनके इम्पॉर्टेंट प्लेस के नाम हैं जो लगातार विमेन इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठा रहे थे वो भी और वो कहाँ से इंस्पायर्ड थे हेनरिक एप्सन एक नॉर्वेजियन प्ले राइट जिन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था अ डोल्ज हाउस अ डोल्स हाउस अ यानी ए डी ओ एल एल अपॉस्ट्रफी एस डॉल्स एच ओ यू एस ई हाउस अडोल्स हाउस ये एक प्ले है बहुत ही फेमस किसका नॉर्वेजियन प्ले राइट नॉर्वे के एक बड़े से नाटककार जिनका नाम था हैंनरिकप्सन हैनरिकप्सन माईडिया लर्नस इस प्ले में अडोल्स हाउस में जो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले में जो मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम है नोरा एन ओ आर ए नोरा नोरा को वो दिखा रहे हैं कि उसकी कंडीशन उसका जो है इम्पोर्टेंस उसकी वैल्यू उसके फैमिली में क्या है उसके उसके हस्बैंड की लाइफ में उसकी वैल्यू क्या है ये डॉल कौन है उनके प्ले का जो डॉल्स हाउस है कौन ये नोरा है नोरा अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डॉल है डॉल इन देंस डॉल डॉल जो है छोटी बच्चियाँ डॉल्स के साथ क्या करती हैं खेलती हैं जब उन्हें खेलने का मन होता है उसे खेलती हैं जब उन्हें खेलने का मन होता उठा के तो उसे फेंक देती हैं उन्हें कब उस डॉल की याद आती है छोटी बच्चियों को जब उन्हें फिर खेलने का मन होता है ठीक वही चीज़ वो दिखाना चाहती हैं सॉरी दिखाना चाहते हैं दिखा रहे हैं हैंनरी कैप्सन हैं इस प्ले में कि जो नोरा है अपने हस्बैंड की लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंस रखती है ऑलमोस्ट नो इम्पॉर्टेंस उसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं उसकी उतनी ही इम्पॉटेंस है कि जब उसका हस्बैंड जब उसका हस्बैंड क्या करना चाहता है अपने आप को एंटरटेन करना चाहता है ही लुक्स फॉर नोरा कम्स एंड गिव्स टाइम टू नोरा तब वो नोरा के पास आता है बैठता है उससे बातें करता है जब उसे जरूरत नहीं रहती है एंटरटेनमेंट की तो शायद वो नोरा की तरफ देखता भी नहीं है तो उस प्ले के थ्रू हेनरी किप्सन ने दिखाया कि व्हाट वाज द रियल स्टेटस पोजिशन ऑफ वेमेन इन द लाइफ ऑफ द हजबेंड या वॉट वॉज द पोजिशन ऑफ वेमेन इन द होम्स उनके घरों में उनकी पोजिशन उनकी वैल्यू क्या थी वही चीज जो है जॉर्ज बर्नाड शॉ भी अपने प्लेज में दिखा रहे हैं अगर आप उनकी प्लेज में आप देखेंगे उनके प्लेस को जैसे कैंडिडा सी ए एन डी आई डी ए कैंडिडा बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है उनके हेनरी कैप्सन के प्ले अडोल्स हाउस जो कैंडिडा है उसकी भी कंडीशन अपने फैमिली में ठीक नोरा जैसी ही है अडोल्स हाउस में जैसे डोल्स हाउस में जो है कैरेक्टर ठीक उसी तरह यहाँ पे जो कैंडिडा है इसकी भी कंडीशन वैसी ही है अपने अपने जो है हस्बैंड के लाइफ में तो ये लोग फैमिलिस्ट थे माई दी ये अपनी आवाजें उठा रहे थे लगातार डिमांड कर रहे थे मांग कर रहे थे किसके राइट्स वेमेन राइट्स वेमेन इंडिपेंडेंस वेमेन फ्रीडम ये सारी चीजें उनकी पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी एंड इन द कंट्री इसके बावजूद द कंडीशन ऑफ द वेमेन द कंडीशन ऑफ द वेमेन वॉज नॉट अप टू दॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री ठीक उसी तरह यहाँ ये जो पोएट है कौन एंड्रियानी रिच ये भी बात कर रही है इसकी जो इस पोम की जो एपेनॉमस कैरेक्टर है जो टाइटल कैरेक्टर है आंट जेनिफर आंट स्पीकर इस जो पोम का है इसे आंट बुला रहा इट मीन्स द एज ऑफ दिस एपेनमिक एपेनॉमिस कैरेक्टर इज मोर देन फिफ्टी यू कैन से दैट शी इज़ नॉट लेस देन फिफ्टी वाई बिकॉज ये कहाँ की कैरेक्टर है ये एक अमेरिका की कैरेक्टर है ये हमारे एक इंडिया की कैरेक्टर नहीं है कि जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि एक मैरिड वुमन या एक मैरिड मैन होता है जिसकी एज पच्चीस साल हो या सत्ताईस साल हो या अट्ठाईस साल हो तब भी उसको हम यहाँ अंकल बुलाते हैं आंटी बुलाते हैं जनरली ऐसा होता है हमारी कंट्री में बट इट इज़ नॉट हैपन इन अमेरिका तो जहाँ पर अगर जो इसको जो speakers, पोम का जो बुला रहा आर्ट इट मीन्स शी इज एंड ओल्ड वुमेन बट ये ओल्ड वुमेन है ओल्ड वुमेन है इसके बावजूद इसकी लाइफ बहुत ही मेजोरेबल है दिखा रहा है कि पोइट कि इस मेजोरेबल वुमेन सॉरी इस वुमेन की लाइफ कितनी मेजोरेबल है हाउ शी इज हाउ शी इज अंडर द डोमिनेस ऑफ हजबेंड अंडर द डोमिनेस ऑफ अर ओन हसबेंड लेड अ मेजरेबल लाइफ कैसे ये अपने जो है हसबैंड के डोमिनेंस के अंडर में नीचे एक बहुत ही बहुत ही मेजरेबल जीवन इसने गुजारा है और अब जब ये बूढ़ी हो गई है इसके बावजूद द डोमिनस ऑफ अ हस्बैंड हैज नॉट कम टू एन एंड डोमिन सॉरी हिज डोमिनेंस इज नॉट ओ वो मीन्स द डोमिनेंस ऑफ The husband of this old woman is not yet over, though she has become old. Their marriage is a terrible failure. iske marriage इसके लिए क्या है? एक nightmare, n-i-g-h-t-m-a-r-e Nightmare का मतलब होता माई है माइरियल है एक बहुत ही भयानक और एक बहुत ही बुरा सपना। तो कह सकते हैं ये जो aunt है aunt Jennifer इसकी marriage life इसके लिए क्या रही है? नॉट लेस देर इसके लिए इसकी जो मैरिज लाइफ है वो एक नाइट मैर से कम नहीं है एक भयानक सपने से कम नहीं है क्यों बिकॉज शी हैज ओनली एंड ओनली सफर्ड सफर्ड इन हैरिटल लाइफ एम ए आर आई टी एल मैरिटल का मतलब होता है मायरी रिलेटेड टू मैरिज तो ये अपनी शादी के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सफ़र कर रहा है इसमें तो आइए अब इस ओम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं एंड सॉरी आंट जैनिफर्स टाइगर्स प्रैंस कह रहा आंट जेनिफर ये जो हैं इस ओम की जो प्रोटेग प्रोटेगनिस्ट हैं जो सेंट्रल कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर हैं वो क्या कर रही हैं वो टाइगर्स को बना रही हैं वो अब देखिए क्या कर रही है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस प्रैंस का मतलब होता है माय डियर लर्नर टू टेक अ लॉन्ग स्ट्राइड और टू जंप उछलना छलांग लगाना तो प्रैंस मींस जंप उछलना या छलांग लगाना अक्रॉस मींस फ्रॉम वन एंड टू द अदर जैसे ये इससे इधर पूरा एक फ्रॉम वन एंड टू दी अदर फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एक कोने से दूसरे एक कोने तक और स्क्रीन स्क्रीन का मतलब आप ले सकते हैं एक पैनल या एक पीस ऑफ क्लोथ एक कपड़े का टुकड़ा या एक पैनल या एक कैनवस ब्राइट यानी कि शाइनिंग चमकते हुए टपेस टपेस इज अ येलो कलर कॉस्टली स्टोन एक पीले रंग का महंगा पत्थर होता है टपैज़ डेनिजन्स डेनिजन का मतलब माहिर लर्नर होता है एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऐसे जानवर जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डेनिजन्स या डेनिजन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है इनहबिटेंट या रेजिडेंट यानी निवासी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या हुआ है ना? जंगल ये जो एक नाउन फ्रेज यूज किया गया है इसका मतलब क्या होगा ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब जंगल तो यहां देखिए पोम की फर्स्ट दो लाइन में पोएट क्या बता रहा है स्पीकर जो पोम का बता रहा है कि ये जो आंट जेनिफर हैं वो क्या कर रही हैं शी knitting, निटिंग और शी been डूइंग निडल वर्क वो निडल वर्क कर रही हैं वो सुई धागे से या सुई और मल्टीपल कलर मल्टी मल्टी कलर थ्रेड यानी धागों का इस्तेमाल करके क्या कर रही हैं कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं कुछ बुनाई कर रही हैं कुछ बुन रही हैं वो किससे सुई से और मल्टी कलर के बहुत से रंगों के धागों का इस्तेमाल करके वो कुछ बना रही हैं एक पैनल पे यानी कि एक छोटे से आप कह सकते हैं कपड़े के टुकड़े पे या एक कैनवस पे वो कुछ क्या कर रही हैं बुन रही हैं बना रही हैं वो क्या बुन रही हैं सबसे पहले उन्होंने बैकग्राउंड में क्या बनाया हुआ है एक लश ग्रीन जंगल एक हरा सा जंगल और उस जंगल में किसको वो दिखा रही हैं उछलते हुए कूदते हुए बुन रही हैं टाइगर्स को तो यहाँ पे माय रियर लर्नर्स जो ये स्पीकर है पोम सॉरी ये जो स्पीकर है पोम का वो बता रहा है एक एक ओल्ड वुमन के बारे में जो उसकी शायद आंटी के एज का है एज की है या शायद वो उसकी आंटी लगती है और इस ओल्ड वुमन आंटी का नाम है जेनिफर ठीक है और ये जेनिफर क्या कर रही है शी हैज बीन एम्ब्रॉयडरिंग शी हैज बीन एम्ब्रॉयडरिंग द लश ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ अ पैनल और अ पीस ऑफ क्लोथ और अ कैनवस एंड दीज टाइगर शी हैज बीन एम्ब्रॉयडरिंग आर जंपिंग मूविंग रिलैक्सिंग इन अ वेरी वॉट कम्फर्टेबल एंड इनडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट मैनर एप्सोल्यूटली डिफरेंट होन पर्सनल लाइफ इज इसकी लाइफ माई रियलर्न इज एप्सोल्यूटली डिफरेंट है ये जो इसका ये जो इसने ये जो वर्ल्ड क्रिएट करा है वर्ल्ड जो बनाया है किससे अपने सुई और धागे से इसने जो वर्ल्ड बुना है ये जो एक दुनिया बुनी है बनाई है ये दुनिया और इसकी अपने जीवन इसकी अपनी असली दुनिया बहुत ही अलग है ये क्या दिखाना चाह रही है इस टाइगर को बना करके जो टाइगर जंप कर रहा है उछल रहा है कूद रहा है रिलैक्स वे में बिना किसी बिना किसी इंटरप्शन बिना किसी लिमिटेशन बिना किसी रोक टोक के ये क्या दिखा रहा कि इसकी लाइफ में ढेर सारे क्या हैं ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स इसकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट है जो फीलिंग्स ये बता नहीं सक बता नहीं प, स, ब, बता नहीं पा रही है किसी को वो चीजें जो किसी के साथ ये शेयर नहीं कर सकती है वो किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रही है अपने आर्ट आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इस एम्ब्रॉयडरी बुनाई के थ्रू ये अपनी रियल फीलिंग्स को क्या कर पा रही है एक्सप्रेस कर पा रही है कि वो क्या चाहती है शीवॉन्स लिबर्टी यानी कि आज़ादी शीवॉन्स इनडिपेंडेंस यानी कि आत्मनिर्भरता शीवान्स वॉट हर पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी यानी कि वो अपने आप को व्यक्त करना चाहती है बताना चाहती है समाज को दिखाना चाहती है और अनफॉर्चुनेटली वो दिखा नहीं पा रही इसलिए वो किसके थ्रू दिखा रही है किसके थ्रू उसका जो है रियल फीलिंग उसकी रियल जो है इमोशन निकल रहा है उसके आर्ट के थ्रू वो भी कब जब उसका हस्बैंड घर में मौजूद नहीं है वो जानती है कि एनी मोमेंट हर हस्बैंड कैन कम एंड कैन एट वंस गिव अ पीस ऑफ माइंड टू हर फॉर फॉर डूंग दिस बुल्सिट क्या सोच रही कि हाँ है शायद उसका हाथ में डावेगा वेल आर यू डूइंग ये कौन सा बुलश कर रही है कौन सा नॉन सेंस काम कर रही है ये बुनाई वाला तो ये दिखा रही है अपने आर्ट के थ्रू माई दिए वॉट शी वॉन्स एंड एक्चुअली वट शी मिस एंड एक्चुअली वॉट शी डिजायस जो वे डिजायर कर रही है अपनी इच्छाओं को दिखा रही है किसके थ्रू अपने आर्ट के थ्रू ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है वो वाई बिकॉज प्रोबेबली शी इज़ नॉट अलाउड शी डज नॉट हैव दैट शी डज नॉट लिबर्टी टू अलाउ टू अलाउ हर सेल्फ और टू एक्सप्रेस हर सेल्फ ओपनली वो ओपनली इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती इसलिए किसके थ्रू वो एक्सप्रेस कर रही किसके थ्रू वो इन सारी चीज़ों को दिखा रही है अपने आर्ट अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू तो माई रियल इसकी लाइफ इसकी दुनिया इसकी दुनिया किसकी जो ये जेनिफर है आंट जेनिफर है इनकी दुनिया इनके जो है कला की दुनिया से एकदम अलग है इनकी कला की दुनिया में क्या है ये जो टाइगर क्या कर रहा है जम कर रहे हैं उछल रहे हैं कूद रहे हैं फ्री होकर के जंगल में लेकिन इनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है यहां देखिए दे डोंट फियर द मैन बेनीथ द ट्रीज ये दिखा रही हैं कि पोम में आके वो उन्होंने अपने जो ये पैनल पे और क्या बना रखा है और क्या उन्होंने दिखा रखा है कि कुछ इंसान कुछ आदमी दिख रहे हैं पेड़ों के नीचे और ये इंसान कौन है एक्चुअली दी एक्चुअली दे आर हु इज कॉल और विच एनिमल इज कॉल एनिमल दैट

आंट जेनिफर यानी कि औरतें कैसे औरतों को शिकार किया गया इंसानों ने उसको शिकार मेल ने कैसे उसको शिकार कर रखा है कैसे उसको वो डोमिनेट कर रखा कैसे उसने जो है औरतों की लाइफ को हेल बना करके रखा है वो दिखा रही हैं कौन ये पोएट एंड्रिया ने रिच यहां यह पोएट खुद किससे ये जो जो आंट जो जैनिफ़र हैं वो डरती हैं किससे इंसानों से वो डरती हैं किससे अपने हस्बैंड से लेकिन क्या ये जो उन्होंने टाइगर्स को बनाया है अपने पैनल पे क्या वो डरते हैं नहीं तो ये क्या है ये इन्होंने क्यों ऐसा बनाया है टाइगर को जो डरते नहीं हैं इंसानों से वाई बिकॉज वो चाहती हैं कि उनकी लाइफ भी वैसी ही हो उनकी लाइफ भी उतनी ही फ्री हो उतनी ही रिलैक्स हो जितनी उन्होंने ये जिन टाइगर्स को बनाया है उनकी लाइफ है तो कैसे एक कॉन्ट्रास्ट है इनकी दुनिया का और ये दुनिया जो इन्होंने अपने पैनल पे बना रही है या बना रखा है तो रियल लाइफ में माई रियल लर्नर्स ये खुद इंसानों से डरती हैं लेकिन इनके बनाए हुए जो टाइगर्स हैं पैनल पे वो इंसानों से नहीं डरते हैं दे दे आर लीस्ट कंसर्न थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं है क्या कह रहे देखिए दे यानी कि टाइगर्स पेस यानी कि रान एन स्लिक स्मूथ स्मूद शिवलरिक मीनस रे बहुत ही बहादुरी से सर्टेनिटी मीन से डेफिनेटी कह रहे इनके जो टाइगर हैं वो दौड़ रहे हैं बड़े स्मूथ बहादुरी से एकदम डेफिनेटी के साथ निश्चितता के साथ बिना किसी टेंशन के इनके जो टाइगर्स हैं लर्नर्स वो क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं मूव हो रहे हैं जंगल में घूम रहे हैं लेकिन क्या ये लिबर्टी इनके पास है क्या ये लिबर्टी यानी इनके पास यानी क्या विमेन के पास थी नहीं लेकिन क्या विमेन वो चाहती थी यस दैट्स वाई

she did not have that audacity or she did not have that right iska adhikar shayad unke paas nahi tha to dekhiye aunt jennifer's fingers fluttering fluttering ka matlab मतलब moving in a unsteady manner थ्रू आउ सॉरी थ्रू द wool, वूल मतलब वो जो मल्टी कलर इनके पास जो वूल है जो वूल जो जो ऊन है फाइन दिन यहाँ तक कि उन्हें वो पाती हैं इवन यहां तक आइवरी आइवरी मतलब निडल, एक सुई जो एक विशेष जो है मेटल की या एक विशेष चीज की बनी हुई है नेडल यानी कि सुई हाट पुल खींचना तो कह रही है जो आंट जेनिफर की जो उंगलियां बड़ी तेजी से उनके उनके उस जो है उधागों में या ऊन और सोई के साथ मूव हो रही हैं बड़ी मुश्किल से उनकी जो उंगलियां हैं क्या कर पा रही हैं उस आइवरी नडल को खींच पा रही हैं यानी कि वो जो सुई एक स्पेशल सुई है आइवरी की उसको उनकी उंगलियां खींच भी नहीं पा रही हैं ठीक से इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड वीकनेस ऑफ द बॉडी ऑफ दिस ओल्ड वुमन शी दिस ओल्ड वुमन फील्स एब्सोल्युटली वीक ऑल ओवर हर बॉडी मतलब वो पूरी अपने शरीर में एक तरह की वीकनेस यानी कमजोरी महसूस कर रही हैं लर्नर्स और ये कमजोरी किसके कारण है बिकॉज ऑफ वर्किंग लिमिटलेसली ऑल थ्रू हर मैरिट लाइफ शादी के बाद पूरी लाइफ इन्होंने केवल और केवल संघर्ष किया है हार्ड वर्क किया है जिसके कारण इस वक्त इनकी उंगलियों में इतनी भी ताक़त नहीं बची हुई है कि वो उस आइवरी नडल को सुई सोई को खींच पाएँ प्रॉपर वे में तो यहाँ पे पोएट इनकी फ्लटरिंग इनकी फ्लैटरिंग फिंगर से क्या दिखाना चाह रहा है वीकनेस और द मेजरेबल लाइफ ऑफ दिन इन इन मैरिज दो वेमेन इन मैरिज द लाइफ वॉज हेल उनकी लाइफ एकदम हेल थी हेल यानी नरक बहुत ही बुरी स्थिति तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वुमेन की जो लाइफ है उसकी जो मैरिज लाइफ ने उसके हस्बैंड ने उसकी लाइफ को इतना मेजरेबल बना दिया है इतना वीक बना दिया है कि ये वुमेन जो है उस आइवरी निडल को भी प्रॉपर वे में पुल खींच नहीं पा रही है लेट्स सी नेक्स्ट सी देखिए यहाँ देखिए कह रही दैसिज यूज हैवी काफी भारी भरकम वेट का मतलब बर्डन ले सकते हैं वजन वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड बैंड यानी एक तरह से लगता है ब्रेसलेट काइंड ऑफ अ रिंग कह रहा है कि दैसे मत बहुत ही भारी वेट यानी कि वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड कह रहा है भाई जेनिफर को आंट कर रहा है आंट कह रहा है सॉरी तो उसकी जो है हस्बैंड क्या हुआ उसका अंकल हुआ तो कह रहा है उसके अंकल ने जो शादी के टाइम पर इसको रिंग पहनाया था वो क्या है बहुत ही हैवीली सेट है ये रिंग क्या दिखा रहा है ये रिंग दिखा रहा है दी बर्डन दी बर्डन एंड द प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड द डिफिकल्टीज ऑफ वुमन हैड इन हर ओन लाइफ आफ्टर आफ्टर एंटरिंग दी एफ्टर एंटरिंग दी यू कैन सेफ्टर एंटरिंग दी मैरिज लाइफ कि मैरिज लाइफ में एंटर होने के बाद वुमेन की लाइफ कितनी बर्डनसम हो जाती थी कितनी ज़्यादा उसमें उसमें कितनी ज़्यादा वो बोझ के नीचे दब जाती थी उसकी उसकी उसकी, उसकी लाइफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि तो दिखा रहा देखिए क्या कि वो जो रिंग या वो जो बैंड उसके हस्बैंड कह रहा था मैसेव वेट भारी भरकम वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड अंकल ने जो शादी का बैंड यानी कि रिंग या ब्रेसलेट इसको पहनाया था सिट्स हैविली इसके शरीर को इसके जीवन को एकदम दबा दिया हुआ कह रहा सिट्स बैठा है हैविली बहुत ही भारी भरकम तरीके से क्या अपॉन के ऊपर आंट जेनिफर्स हैंड आंट जेनिफर के हाथ में बहुत ही भारी भरकम बहुत ही हैविली बहुत ही ज़्यादा बर्डन मतलब इनकी शादी की लाइफ ने इनकी लाइफ को एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बर्डन सम बना दिया माय डियर लर्नर्स इट मींस द लाइफ ऑफ दिस जेनिफर वाज मच बेटर बिफोर मैरिज बट द मैरिज मेड हर लाइफ एब्सोल्युटली हेल शी हैज़ ओनली एंड ओनली सफर्ड लिमिटलेसली एंड एंड इन ए नॉन स्टॉप मैनर इसने केवल सफर किया लगातार इन्होंने झेला है शादी के बाद इनकी लाइफ इतनी बुरी हो चुकी है इतनी मेजरेबल हो चुकी है कि वो जो रिंग है वो जो बैंड है उनके हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे कि रिंग क्या आप समझते हैं द वेट ऑफ द रिंग रिंग वेट ऑफ द वेट ऑफ दी बैंड इट्स नॉट मोर देन फ्यू ग्राम्स जो एक वेट होता है रिंग का या एक बैंड का किसी सोने के जो है रिंग का या बैंड का ब्रेसलेट का नॉट मोर देन टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी हंड्रेड हंड्रेड ग्राम चार दस बीस चालीस सौ ग्राम से ज़्यादा का नहीं होता है। लेकिन यहाँ यहाँ किस तरह से ये क्या दिखा रहा ये बैंड दिखा रहा है जैसे एक रिंग क्या किया रहती है हमारी उंगली को घेरे रहती है उसी तरह इनकी जो है मैरिज लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस और डिफ़िकल्टीज़ ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से घेर रखा है कि पूरी तरह से ये इनकी लाइफ को कैद कर रखा है शी डज़ नॉट हैव लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन हर मैरिज लाइफ हर मैरिज लाइफ इज़ हॉरबल Nightmarish. And that's why she has found a way to express her real hidden desire of liberty and freedom and independence. By, by drawing or making the free tigers moving in their own world, of the jungle in a very relaxed manner, on on the panel, on her own panel, or on her canvas, or on a piece of cloth that will either decorate a table or a wall of her house. So hope my dear learner yahan तक आपको clear है अब देखिए ये लाइन और भी बहुत ही मेजरेबल है दिखा रहा है कितनी मेजरेबल लाइफ होगी क्या मरने के बाद भी उन्हें इससे छुटकारा मिलेगा कह रहा when आंट इज डेड जब आंट मर जाएंगी हैंड्स देखिए उनके डरे हुए हाथ वे लाए पड़े होंगे स्टिल रिंग्ड उस वक्त भी वो रिंग जो है अंगूठी उनकी उनके उंगलियों को घेरी होगी उनकी उंगली को घेरे होगी विद द ऑडियल्स ऑडियल्स का मतलब होता है माई रियल लर्नर्स डिफिकल्ट एक्सपीरियंस और टफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जीवन के जो कठिनाइयाँ होती हैं और जीवन के जो कठिन परीक्षाएँ होती हैं उसको हम कहते हैं ऑडियल्स She was mastered by. She was mastered by means dominated by. कि कह रहा है कि जब आंट मर जाएंगे उसके बाद भी वो जो उंगली उनकी उंगली उनके हाथ कैसे दिखेंगे मरने के बाद भी डरे हुए उनके हाथ ऐसे दिखेंगे जैसे वो डरे हुए हैं स्टिल रिंग्ड उस वक्त भी उनके हाथों पे वो उंगली होगी सॉरी वो अंगूठी होगी और वो अंगूठी क्या किए होगी घेरे हुए होगी विद ऑडियंस उन कठिनाइयों से शी वॉज मास्टर्ड बाय जिन कठिनाइयों के द्वारा उनका पूरा जीवन गुजरा यानी कि मरने के बाद भी जो उनकी जो है बॉडी लैंग्वेज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी उनकी जो बॉडी होगी वो अपनी भाषा में बता रही होगी दिखा रही होगी उन डिफ़िकल्टीज़ को उन कॉम्प्लिकेशंस को उन प्रॉब्लम्स को जो उन्होंने अपने लाइफ में अंडरगो किया या जो उन्होंने अपनी लाइफ में झेला यानी कि मरने के बाद भी उनकी बॉडी विल स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट दर्ड एंड एंड डिफ़िकल्टी एंड टॉर्चर शी ट इन हैरिज लाइफ द टाइगर इन दैनल दैट शी हैज मेड लेकिन कह रही है जो टाइगर इन द पैनल जो टाइगर उन्होंने पैनल में बनाया है अपने अपने कैनवस पे या अपने उस कपड़े पे कपड़े के टुकड़े पे बनाया है विल गो ऑन प्रैंसिंग वो तो वैसे ही उछलते रहेंगे प्राउड उतने ही क्या है गर्भ से एंड अनफरेड और बिना डरे तो कह रहा है कि इनकी लाइफ इनकी लाइफ तो मरने के बाद भी इनकी बॉडी मरने के बाद भी उन सफरिंग्स को क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी दिखाएगी बट जो इन्होंने टाइगर्स को जिस जिन टाइगर्स को इन्होंने अपने पैनल पे बनाया है उनकी लाइफ में क्या कोई बदलाव आएगा नो दे आर जस्ट एज फ्री टू डे दे विल बी they will be free tomorrow or they will be free forever this is the huge difference huge difference between this real life and the life of the art how art is great ek art great kaisa hota hai my dear learners आज अगर जो आपकी एक photo ले ली गई तो आप उस photo में अगर जो smile कर रहे हैं उस पिक्चर में अगर जो आप, आप स्माइल कर रहे हैं तो क्या कभी आपकी वो स्माइल बंद होगी उस पिक्चर में नहीं यू विल ऑलवेज बी स्माइलिंग इन दैट पिक्चर दिस इज़ पावर ऑफ द आर्ट आर्ट का ये पावर है माई लर्नर्स कि जिस तरह से एक पेंटर ने आपकी पिक्चर को बना दिया अगर उसने हंसते हुए आपकी फोटो को बना दिया तो आप हमेशा हंसते ही रहेंगे लेकिन क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है नो दिस रियल लाइफ इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड दियर दिस रियल लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स ये रियल लाइफ बहुत ही डिफरेंट है तो कह रहा है कि जो इन्होंने जो इन्होंने दुनिया बना दी अपने पैनल पे अपने कपड़े के एक टुकड़े पे या अपने कैनवस पे टाइगर्स की जंगल की क्या वो उस दुनिया में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा लेकिन इनकी दुनिया कैसी रही ह लाइफ वॉज़ हेल तो माई रियल ये पोम का एक्सप्लेनेशन था आई होप आपने इसको समझ लिया होगा डेफिनेटली यू वुड हैव एन्जॉयड बिकॉज वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर कि जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आपको दूसरी जगह इस तरह का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल कि आपको नहीं मिलेगा तो आइए अब इस पोम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसको हम एक बार देख लेते हैं पहले जेनिफर्स टाइगर्स अक्रॉस सो प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन देखते हैं इसमें पहली लाइन में क्या कोई फिगर ऑफ स्पीच है देखिए पोम की दूसरी लाइन में देखिए ब्राइट पैस डेंजन ये ब्राइट पैस डेंज किसको टोपैस से कंपेयर किया जा रहा माई रियल टोपैस किसको कह रहा पोएट टाइगर्स को यानी कि पे पोम की सेकेंड लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा माई रियल मैटफ एम ई टी ए पी एच ओ आर मैटफ वाई बिकॉज यहाँ पोएट स्पीकर जो पोम का है वो सीधे सीधे इन टाइगर्स को किससे इन टाइगर्स की तुलना किससे कर रहा है तो पैस स्टोन से जो पीले रंग का चमकता हुआ स्टोन है कह रहा ठीक उसी तरह ये टाइगर्स हैं तो यानी कि सेकेंड लाइन में पोम की कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, माई दियर मेटाफोर याद रखिए क्यों बिकॉज टाइगर्स स्ट्रेट वेद बॉडी द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द टाइगर इज कंपेयर्ड टू ब्राइट कलर ऑफ ट येलो कलर स्टोन नेक्स्ट देखिए दे डोंट फियर दे डोंट पियर दैन बनी द ट्री ठीक है यहाँ पे एक बार आप देख लिए कि एक फिगर ऑफ स्पीच आपको दिख रही है द टी से शुरू हो रहा है फिर देखिए द ट्री से शुरू हो रहा है फिर ट्री यहाँ पे तीन वर्ड एक तो दर रिपीट कर रहा है प्लस तीन वर्ड टी से शुरू हो रहे हैं यानी कि रिपीटिशन ऑफ दी सर्टेन साउंड एट द बिगनिंग ऑफ कन्जैकेटिव वर्ड्स यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन तो यहाँ पे एलिटरेशन है माई रियल दूसरा ये जो मैन है आप कह सकती हैं जो मैन है पहले देख लीजिए मैन और ये जो है डेनजेंस ये किसके तौर पे यूज़ कर रहे किए जा रहे हैं और ये टाइगर्स भी किसके तौर पे यूज़ हो रहे हैं सिंबल के तौर पे ये टाइगर सॉरी टाइगर्स डेनिजन्स मैन ये तीनों सिंबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं क्यों क्योंकि ये अपने लिटरल सेंस में यूज़ नहीं हो रहे हैं टाइगर इज हियर नॉट यूज इन इट्स लिटरल सेंस एज एनिमल एज अ फेरोसियस एनिमल ऑफ जंगल ये किसके सेंस में यूज हो रहे है क्या दिखाने के लिए यूज हो रहा है लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस दिस वुमेन वांटेड एक्चुअली इन हर ओन लाइफ ये उसकी जो स्वतंत्रता उसकी जो लिबर्टी के के प्रतीक हैं वो ये चाहती थी स्वतंत्रता चाहती थी और इस स्वतंत्रता को इस जो है इंडिपेंडेंस को आजादी को किसके थ्रू दिखा रही टाइगर के थ्रू मैन के थ्रू डेंजेंस के थ्रो ये जो वर्ड्स ये वर्ड्स में टाइगर डेंजेंस मैन ये किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं एक्चुअली ये अपने लिटरल टाइगर का इस्तेमाल वो किसके लिए इस्तेमाल कर रही है टाइगर का किस सेंस टाइगर को दिखा कि वो क्या बताना चाहती है लिबर्टी इंडिपेंडेंस दैट केयरलेसनेस उस तरह का जीवन वो चाहती थी <coughs> दूसरा ये जो मैन आ रहा मैन स्टैंड फॉर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कि ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कैसी थी हाउ दिन व प्रिडेट एंड हाउ व दे ट्रेइंग वेमेन ये मेल या मेन किसके ये जो मेन वर्ड आ रहा है ये किसको को कर रहा है उन इंसानों को किस तरह के इंसानों को हु प्रिडेटर्स जो प्रिडेटर्स थे शिकार करने वाले थे जो किस तरह से औरतों का शोषण कर रहे थे तो यहाँ आदमी किसी लिटरल सेंस में यूज़ नहीं हो रहा किसके सेंस, सेंस में हो रहा प्रेडेटर्स के सेंस में हंटर्स के सेंस जैसे हंटर्स जानवरों का निर्दोष जानवरों को शिकार करते थे ठीक उसी तरह ये जो मैन थे ये एक तरह से क्या थे शिकारी थे निर्दोष सीधी साधी एक जो एक औरत थी उसको क्या करते थे उसका ये शिकार करते थे उसका ये शोषण करते थे तो ये तीनों वर्ड्स माई दिय लर्नर्स अपने लिटरल सेंस में यूज नहीं हो रहा बल्कि सिम्बॉलिकल सेंस में यूज हो रहा तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बीच यहाँ पे यहां पे, पे सिम्बल भी है माई लर्नर फिर अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये देखिए सॉरी ये देखिए टाइगर्स है प्लस डेंजन है प्लस मैन है यहाँ पर देखिए ये शिविलरिक शिविलरी माइटियर मैं आपने बताया था ये वर्ड शिविलरी से आया है शिविलरी से शिविलरी वर्ड एक्चुअली माई रियर लर्नर्स मिडिबिल टाइम में मिडिबिल टाइम आप ले सकते हैं कब से कब तक का ले सकते हैं आप जो है रेनसों के शुरू होने से पहले वेस्टर्न जो है कंट्रीज़ में रनसों शुरू होने से पहले यानी कि यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज़ में रेनसों यानी पुनर्जागरण शुरू होने से पहले वाले के टाइम को हम जनरल मिडिबल एज मानते हैं माना जाता है विद द बिगनिंग ऑफ द रेनेसो इन 1453 फिफ्टी मॉडर्न वर्ल्ड विज्ञान और द इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कि मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत कब से माने जाते हैं यूरोप में विद द बिगनिंग ऑफ द रेनेसों और रेनेसो कब से शुरू माना जाता है विद दी जस्टिस फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कह सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के साथ चौदह सौ फोर्टीन yes, फिफ्टी में क्या हुआ था टर्की ने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल जो इटली का एक शहर था उसको अटैक किया इटली के इस शहर में एक्चुअली कौन रहता था या ये इटली का जो शहर था ये किसका शहर था दिस वॉज हाउस और द होम ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल हु विद विद इन इन हुम द रिच नॉलेज रिलेट टी जस्ट रिलेटेड टू दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ऑफ ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन जो ग्रीस और रोम की सिविलाइजेशन और उससे जो रिलेटेड नॉलेज था और उससे जो रिलेटेड जो मैनस्क्रिप्ट मैनस्क्रिप्ट थी वो किन के पास थी उन इंटेलैक्चुअल लोगों के पास थी जो फोर्टीन फिफ्टी थ्री के टाइम में उससे पहले से वो वहाँ रह रहे थे कहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल में लेकिन 1453 में इस प्लेस को अटैक किया गया क्यों क्योंकि क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से क्या हो रही थी स्प्रेड हो रही थी फैल रही थी और मुस्लिम जो रूलर्स है वो इसको चेक करना चाह रहे थे तो यहाँ अटैक किया गया जब अटैक हुआ तो वो स्कॉलर्स और जो वो जो जो इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो क्या हुए वो भागे और जब वो भगे तो क्या हो गए वो यूरोप के इटली के डिफरेंट पार्ट में क्या हो गए क्या हो गए स्कैटर्ड हो गए बिखर गए फैल गए और जहाँ जहाँ गए लोग उनके कांटेक्ट में आए और उनके कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ रिवाइवल ऑफ़ दैट आर्ट रिवाइवल ऑफ़ दैट लिटरेचर रिवाइवल ऑफ़ दैट कल्चर रिवाइवल ऑफ़ दैट सिविलाइजेशन दैट डाइड लॉन्ग लॉन्ग अगो दैट वाज ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन तो उस उस जो है आर्ट आर्किटेक्चर उस कला उस संस्कृति के बारे में उस दोबारा लोग ने जाना और उसे दोबारा क्या करना शुरू किया स्टडी करना शुरू किया रिवाइव करना शुरू किया इसी के मूवमेंट को कहा गया रेनेसों तो इसके आने से पहले मेडिवेल एज यानी कि 1453 के बाद या फोर्टीन सेंचुरी को मान सकते हैं आप कि बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड तो फोर्टी तो मिड टाइम में नाइट्स हुआ करते थे के एन आई जी एच टी एस नाइट्स जो बहुत ही ब्रेव बहुत ही बहुत ही ये जो क्या हुआ करते थे बहुत ही ये ये बहुत ही कॉटियस हुआ करते थे डॉलर दे बार वेरी मच कॉटियस कॉटियस का मतलब होता है वेरी मच वेरी मच मैनर्ड वेल मैनर्ड एंड वेल सिविलिस्ड ये जो जो नाइट हुआ करते थे ये राजाओं के अंडर में काम किया करते राजाओं के लिए काम किया करते थे और ये बहुत ही कर्टियस हुआ करते थे मतलब बहुत ही विनम्र बहुत ही मैनर्ड और ये अपने लेडी लव के लिए जिस वुमन को ये चाहते थे उसके लिए ये किसी तरह का रिस्क लेने को तैयार रहा करते थे लेकिन यहाँ पर देखिए क्या मैन इन देंटियथ सेंचुरी इन अमेरिका वॉज कर्टियस वॉज गैलेंट टू द वुमेन एक वर्ड यूज होता है गैलेंट जी ए एल एल ए एन टी गैलेंट गैलेंट उस व्यक्ति को हम आईडी लर्नर कहते हैं जो बहुत ही ऑनर जो बहुत ही सम्मान बहुत ही ऑनर और रिस्पेक्ट किसको देखता है फीमेल को कोई भी व्यक्ति जो किसी औरत को सिर्फ किसके कारण रिस्पेक्ट देता है दैट शी इज अ वुमेन कि वो एक औरत कि ये देख करके कि उसकी एज क्या है उसका लुक क्या है न एज ना लुक उसका उसका पोजिशन यानी कि समाज में उसकी पोजिशन क्या है क्या वो बहुत ही पैसे वाली है जो व्यक्ति अगर एक व्यक्ति औरत को सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट देता है बिकॉज शी इज़ अ वुमेन तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं गैलेंट तो ये जो नाइट्स हुआ करते थे देवर गैलेंट वो गैलेंट हुआ करते थे वो शिवलरी हुआ शिवलरी उनके अंदर हुआ करती थी देवर वेल मैनर्ड एंड वेल कल्चर्ड एंड

तो यहां पे देखिए शिबिलरिक सर्टेनिटी यहाँ पे फिर देखिए ये जो है टाइगर्स को किससे कंपेयर किया जा रहा उन नाइट से जैसे वो नाइट बहुत अच्छे बिलरिक हुआ करते तो बड़े ब्रेव हुआ करते थे बहुत ही मैनेड हुआ करते तो उनके लिए इसको यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे फिर आप एक बार ले सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर यूज किया जा रहा है इन टाइगर्स को उनसे कंपेयर करने के लिए आंट जेनिफर्स फिंगर्स फिर देखिए फिंगर्स ये देखिए फिंगर्स क्या कर रही हैं पार्ट फॉर द होल होल फॉर द पार्ट ये एक्चुअली फिंगर्स ये फिंगर्स नहीं हैं। एक्चुअली ये फिंगर्स किसको दिखा रही आंट जेनिफर की टोटल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये फिंगर केवल उनकी फिंगर को नहीं दिखा रहा उनकी उंगलियों को नहीं दिखा रहा हम हंसते हैं तो हमारी हसी क्या दिखाती है हमारी हैपीनेस ये जो हमारे और शरीर हमारा कांप रहा होता हमारा हाथ कांप रहा होता है हमारा कांपना क्या दिखाता हमारा हाथ ये क्या दिखाता कि हम हम एज हमारी पूरी बॉडी जो कितनी डरी हुई है हम कब कांपते हमारा हाथ या शरीर कब कांपता है या तो डरा हुआ होता है या ठंड ठंड के कारण यहां अगर इनकी जो फिंगर्स वो कांप रही है फ्लटर कर रही एकदम बहुत ही बहुत ही जो अन वे में मूव कर रही है वो थ्रेड को थ्रेड को सॉरी उस थ्रेड को के थ्रू जो हो रही है उसको उस नेडल को जो खींच रही हैं तो यहां ये फिंगर उनकी किसको दिखा रहा हियर द फिंगर्स ऑफ आंट जेनेफर स्टैंड फॉर आर रेप्रजेंटिंग द रेप्रजेंटिंग दिस वुमेन दट इज आंट जेनेफर द फिंगर्स आर रेप्रजेंटिंग अ होल बॉडी दो इट इज दार्ट ऑफ अ बॉडी बट रेप्रजेंटिंग अ होल बॉडी उनकी पूरी साइकोलॉजी तो यहां पार्ट फॉर द होल होल फॉर द पार्ट यानी कि निकी एस वाई एन ई सी डी ओ सी एच यानिकी माईडिया यूज है क्योंकि वो इनकी फिंगर्स एक्चुअली इनकी पूरी जो है बॉडी को पूरी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है थ्रू द वुलटरिंग थ्रू द वुल तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार ये थ्रू बी टी से द बी टी से यानी कि एलिट्रेशन भी जहां आपको मैंने बताया सेनिक डी हार्ड टू पुल मुश्किल से तो इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच निडिल हार्ड टू पुल देखिए द मैसेव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड दिखिए ये जो वेडिंग बैंड है माई रियल फिर ये क्या है ये एक तरह के सिंबल का यूज किया गया है ये वेडिंग बैंड को किसकी तरह यूज कर रहा है राइटर नॉट इन इट्स लिटरल सेंस बट इन इट्स सिंबोलिकल सेंस ये जो वेडिंग बैंड क्या सिंबलाइज कर रहा है बर्डन सफरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दी मैरिज लाइफ कि कैसे मैरिज लाइफ एक वुमन की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम बोझल बहुत ही ख़राब बना देती है उस चीज़ को दिखा रहा है तो ये वेडिंग बैंड किसके सेंस में नहीं हो रहा लिटरल मीनिंग के सेंस में नहीं हो रहा अपने वास्तविक अर्थ में नहीं हो रहा बल्कि सिम्बोलिकल सेंस में यूज़ हो रहा है सिट्स अब देखिए सिट का यूज़ कर रहा है किसके लिए उस बैंड के लिए यानि कि एक तरह से कह सकते हैं इसको वो क्या कर रहा है सोनीफाई कर दे रहा है इंसानों की तरह ट्रीट कर रहा है हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड कह देखिए हैंड हैंड फिर देखिए है, इनकी बॉडी का एक पार्ट है जो इनकी होल बॉडी को दिखा रहा है यानी कि पार्ट फॉर द होल होल फॉर द पार्ट यानी कि फिर हैंड का इस्तेमाल करके वो पूरे आंट जेनिफर की पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं कि हाउ एज अ वुमन हर लाइफ इज और हाउ एज अ वुमन शी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग और हाउ हर लाइफ इज एज अ वुमेन एफ्ट द मैरिज कि शादी के बाद इनका जीवन कैसा रहा यह हाथ दिखा रहा है उनका यानी कि यह हाथ उनको रिप्रजेंट कर उनको पूरी बॉडी को दिखा रहा है उनकी तो फिर यहां पे आप कह सकते हैं सिलिक वेन आंट इज डेड ह टेरीफाइड हैंड्स अब देखिए टेरीफाइड हैंड माई डियर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच माई रियर लर्नर्स है क्या हाथ डरे हुए होते हैं कि हम डरे हुए होते हैं एक्चुअली इंसान डरा हुआ होता है कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है कोई जानवर डरा हो सकता है उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है मिस एप्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव ये जो ये जो टेरीफाइड वर्ड है जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव है वो एक्चुअली इस हैंड के लिए आ रहा है जो सही नहीं है ये टेरीफाइड कौन है आंट जेनिफर का हाथ टेरीफाइड है कि वो टेरीफाइड है

एच ई टी एपीथ तो एपीथ का एक्चुअली मतलब होता है हमारे लिए लर्नर एजेक्ट और ट्रांसफर्ड का मतलब टू बी एट्रीब्यूट गिवेन दिया जाना तो जब कोई एजेक्टिव किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए वो फिट नहीं होता जिसके साथ वो फिट नहीं होता है तो ऐसे केस में से हम कहते हैं ट्रांसफर्ड

स्टिल एस से शुरू शी एस से शुरू यानि कि फिर एलिटरेशन यहाँ पर यूज किया गया है माई डर दूसरा देख लीजिए क्या कोई और भी लिटरेटी डिवाइस यूज है स्टिल में देखिए आय का साउंड रिंग में आय का साउंड वे आय का साउंड यानि कि इन तीन वर्ड्स में आय का साउंड रिपीट हो रहा है यानि कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच

वाले देखिए लाइन में भी प्रेंस है यहाँ पे भी प्रेंसिंग यानी कि इस वर्ड को भी रिपीट किया जा रहा है इस वर्ड को रिपीट करके पोएट क्या दिखाना चाह रहा हर डिजायर द डिजायर ऑफ दिस वुमन कि वो वुमन का क्या डिजायर था जो किसी को शेयर नहीं कर पा रही थी बता नहीं पा रही थी बाई शी वॉज अफ्रेड ऑफ मेल्स तो ये मायडियल कुछ फिगर ऑफ स्पीच एक फिगर ऑफ स्पीच मैंने ऊपर आपको नहीं बता पाया जो मिस करके उसको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ देखिए पोम की जो है थर्ड लाइन भी जो है देश से शुरू हो रही है और फोर्थ लाइन भी देश से शुरू हो रही है यानी कि इफ इफ द लाइन ऑफ अ पोम अ सर्टेन वर्ड और सर्टेन फ्रेज इट इज इट इज कॉल्ड वॉट एनाफोरा ए एन ए पी एच ओ आर ए तो यहाँ देखिए पोम की थर्ड लाइन भी देश से शुरू हो रही पोम की फोर्थ लाइन भी देश से शुरू हो रही है यानी कि एनाफोरा का यहाँ फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा भी यूज किया गया है सो माय रियल लर्नर्स आई होप मैंने इसमें आपको मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको पूरी तरह से कोशिश किया है सेटिस्फाई करने के लिए एंड आई होप आई होप

grow as a good grow as a good teacher my dear learners that sit in this video my dear learners